अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज जनाब हम बनाने लगे हैं शक्करकंदी, बिल्कुल जिस तरह हमें रेड़ी से मिलती है स्ट्रीट फूड, असल लाहौरी स्ट्रीट फूड वाली मज़ेदार सी शक्करकंदी। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 1 किलो शक्करकंदी है जिसके अंदर अब देख लो छोटू मोटू सारी किस्म की शक्करकंदी है। तो एक टाइम में जब इनको बॉयल करेंगे ना तो सब एक तरह से गलेंगी नहीं, जिस तरह एक पतली और एक मोटी है। जो मोटी शक्करकंदी है उसको हम छुरी के साथ थोड़ा सा पंक्चर कर लेंगे ताकि ये एक ही टाइम के अंदर अच्छी तरह से गल जाए। इनको पहले हम गलाएंगे पानी के अंदर, उसके बाद क्योंकि ये गलेंगी तो फिर वो चिपचिप करेंगी, उसको खुश्क करेंगे हम खाली पैन के अंदर। बहुत आसान ट्रिक है, इसको फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसी हमें बाज़ार से मिलती है ना शक्करकंदी, ये वैसी शक्करकंदी बनेगी, बिल्कुल खुश्क और बिल्कुल सॉफ्ट, फुल गली हुई और खुशबू की भरी हुई। अगर आप ज़्यादा देर के लिए पानी के अंदर उबालते रहते हो ना तो उसका सारे का सारा जायका ख़त्म हो जाता है। ये जब हमने 10 मिनट के लिए शक्करकंदी को पहले पानी में बॉईल किया, अब इस तरह खाली पैन के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। पैन में कोई पानी, कोई ऑयल, कुछ भी नहीं लगाना हमने, ठीक है। इस तरह से हम पैन के अंदर निकाल के रख लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन और 10 मिनट के लिए इसको आराम से इसी तरह छोड़ देंगे। बीच में अगर आपको लगे कि वो लग रही है तो उसको हल्का सा हिला लो तो वो पैन छोड़ देगी। जिस तरह भी मैंने हिलाया ना, इस तरह आप हिला लो तो वो पैन छोड़ देगी। इससे क्या होगा, अब आप देखो गली हुई है, फुल गली हुई है, लेकिन इसको हमने करना है ड्राई, जिस तरह बाज़ार में हमें मिलती है ना खुश्क सी। अगर ज़्यादा पानी के अंदर पकाओ तो वो चिपचिप करने लग जाती है, तो वो हमने नहीं करना। अब ये देखो जी, शक्ल सेम टू सेम जैसे हम बाज़ार से खाते हैं ना, ये उस तरह की हो चुकी हुई है। इसको हम सर्व करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आई बटन में लिंक कर दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। और बहुत मज़े की चटनी बनती है, बहुत झटपट बन के वो भी तैयार हो जाती है। ये अब देख लो जी, इसके छिलके उतार लेंगे, जो थोड़ा सा लगा हुआ पार्ट है उसको उतार लेंगे। वैसे मुझे ये पार्ट बहुत मज़े का लगता है खाने के अंदर, अगर आपको भी अच्छा लगता है तो फिर आप भी खा सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको रिमूव कर दो। हल्का हल्का सा ऊपर से छिलका उतार लेंगे। अब मैं तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की तरह सर्व करूँगी, बिल्कुल फैंसी नहीं करूँगी जिस तरह शेफ़ कटिंग और ये कि जी एक भी दाना ना उसके ऊपर नज़र आ रहा हो, नहीं, जिस तरह बाज़ार से खाते हैं ना टूथपिक डाल के, बिल्कुल उसी तरह से सर्व करेंगे इसको। ये जी अब आप देख लो, बिल्कुल ड्राई, फुल गली हुई और बहुत बहुत मज़े की शक्करकंदी बनकर तैयार हो चुकी हुई है। इसके साथ बनाएं इमली की खट्टी मीठी चटनी और उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, किसी भी कंपनी का ले लो। बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है, 20 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। ज़रूर से बनाना और इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 10 मिनट के लिए बॉयल करना, 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना, सिंपल सी, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी रेसिपी है ये जी। जब तक हम प्लेट गार्निश कर रहे हैं तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि यूट्यूब इस बड़ी सी दुनिया में छोटी छोटी आसान रेसिपीज़ रेमेडीज़ वाला चैनल आप गुमना कर दें, उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी दोस्ती और मजबूत हो सके। ये दीजिए आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मस्त लाइक कर दें, कोई भी प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछ लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। कोई भी डिनर आइडिया, लंच आइडिया, बच्चों के टिफिन का आइडिया, लंच बॉक्स, कुछ भी आपको चाहिए होगा चैनल से मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत सी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।